Hello everyone and welcome to my channel Art Vibes with Dipan. आज कोई ब्रश नहीं, वाटर कलर नहीं, चारकोल भी नहीं, एक बुक्स की रिव्यू देनी है, क्योंकि मुझे लगा कि ये बुक्स ऐसी है कि मैं एक साल YouTube में बहुत सर्च करने के बाद जितना हिस्ट्री में कलेक्ट कर पाई थी शायद ये बुक्स में सभी है। तो ये है बुक्स वासुदेव कामाच। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये बुक्स एक दूसरी क्यों है। और ये है, दो तीन साल पहले मैं आर्ट शॉप में गई और वहाँ पे देखा कि ये बुक्स, ये नहीं, इस कामाची की एक और ऑयल पेंटिंग के ऊपर एक बुक्स। और कामाची कौन है, वासुदेव कामत कौन है, तब तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन वो बुक्स पढ़ने के बाद, बुक्स का जो मटेरियल है वो मुझे अच्छी लगी थी। और वो बुक्स थोड़ी एडवांस लेवल की है तो उसके रिव्यू मैं बाद में दूंगी, लेकिन वो बुक्स मुझे इतना पसंद लगी थी कि उनका ही एक दूसरा बुक खरीदने के लिए मैं कॉलेज स्ट्रीट गई थी पिछले, तो उधर से मैं ये बुक्स खरीद के लिए। और इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगी कि रिव्यू तो देना ही है, क्योंकि मैं एक सेल्फ आर्टिस्ट हूँ और मैं तो कोई आर्ट कॉलेज से हूँ नहीं, इसलिए जो भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सेल्फ टॉट मतलब खुद से मैं जान गई ऐसे कोई बात नहीं है, हम यूट्यूब से ही सीख पाते हैं क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज ऐसे अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, ये एक पिछले सालों में मैं बहुत सर्चेस करने के बाद मुझे मतलब ड्राइंग, स्केचिंग, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, कैसे आर्टिस्ट बना जाए, ये सब मुझे पता चला था। ये बुक्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि पहले क्यों नहीं मिला, पहले मिलते तो अच्छा था, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आपको ऐसा ना हो इसीलिए मैं इस बुक की रिव्यू दे रही हूँ। अगर आप ये बुक्स पूरा पढ़ लिया और एक खरीद के रख भी दिया घर में, तो ये आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। सो रिव्यू शुरू करें, देखते हैं कैसा है ये बुक। ये बुक है जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन है स्केचिंग की और दिखा रहा है कि आप पेंसिल कैसे ग्रिप करें। एक ट्राइपॉड ग्रिप होता है और एक ओवरन ग्रिप जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और ऐसी स्केचेस आपको पहले बहुत सारे कर लेने होंगे, जो कि मेरा पिछले कुछ वीडियो में भी दिखाया गया है कि पहले आपको आपकी हैंड को ट्रेन करना है कुछ भी स्केचेस करने के लिए। अगर आपकी हैंड ट्रेंड नहीं है तो आप स्केचेस नहीं कर पाओगे। और मेरे कुछ इनिशियल वीडियो में भी आप देख सकते हैं कैसे लाइंस, कर्व लाइंस, सर्कल्स ड्रॉ करके आपको हैंड को ट्रेन करना है और उसके बाद स्केचिंग के टाइम आपकी हैंड के साथ आइज को ट्रेन करनी है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकेंगे। और उसके बाद स्केचिंग एंड उसके बाद स्केचिंग एंड उसके बाद स्केचिंग और उसके बाद बहुत दिनों बाद आप शायद एक आर्टिस्ट की तरह
स्केच करने लगोगे। आर्टिस्ट बनना तो और भी दूर की बात है, लेकिन ये स्केचेस आप जब सीख जाओगे ना, तो इसका जो एन्जॉय वाली पार्ट है वो आप भूल नहीं पाओगे। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे जर्नल्स और वीडियो में भी देखे हैं कि इंडिया में स्केचेस बहुत कम आर्टिस्ट या बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन बाहर स्केचेस के ऊपर बहुत ही जोर दिया जाता है। तो इस बुक्स पे आप देख रहे हैं कि मटेरियल्स, पेपर और पेंसिल्स, एक्वारेल्स, पेंसिल्स, पेन, इंक, बहुत सारे स्केचेस की टाइप्स हैं। स्केचेस और ड्राइंग, इनको मिलाना मत। हाँ, स्केचेस इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। स्केच को आपको कुछ देख के एक क्विक लुक्स तैयार करनी है, आपका ऑब्जर्वेशन का एक क्विक रिप्रेजेंटेशन है स्केच। ये देखिए कुछ इलस्ट्रेशन है, और बिगिन तो ये इधर आपको दिखा रहा है कैसे एक जब आउटडोर किया जाए तो फ्रेमिंग कैसे करते हैं, कितने पार्ट को आप आपकी स्केचबुक में लोगे। और भी इलस्ट्रेशंस हैं, आपको पढ़नी है, हर बात आपको देख के पता नहीं चलता है, करनी है और बुक्स पढ़नी है। और ये बुक्स बहुत ही अच्छे हैं बिगिनर्स के लिए, तो और भी अच्छा जिनको स्केचेस करनी है। और स्केचेस की मज़ा जब आपको आएगी तो आपकी जर्नी, मुझे तो लगता है ये जो आर्ट जर्नी है एक थेरेपी की तरह है हमारे जीवन की, जो हम सबको इसे लाइफ में लेना चाहिए। ये कुछ स्टिल लाइफ्स है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़नी है। पहले स्टिल लाइफ, उसके बाद स्केचेस, फिगर स्केचेस, और लास्टली पोर्ट्रेट। लेकिन अभी बिगनर्स लोग क्या करते हैं, पोर्ट्रेट से ही शुरू कर देते हैं। ये लास्टली कुछ इलस्ट्रेशन भी है पोर्ट्रेट की, जो बहुत ही सुंदर है। और बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाते हैं अभी ग्रीड मेथड में, लेकिन स्केच तो जो वो कर रहा है उसको भी करनी है। जो खुद के लिए ड्राइंग, स्केचिंग और आर्ट को पैशनेटली लेना चाहते हैं, तो स्केचिंग के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सब के लिए सच है। और बड़े बड़े हमने जो आर्टिस्ट देखे हैं वो भी कहते हैं कि आधा घंटा, एक घंटा के लिए वो भी जितने दिन तक आर्ट रहेगा स्केचिंग करनी ही होगी। ये एक हमारे फूड की तरह है, एक आर्टिस्ट के लिए ये फूड की तरह है। और ये एक दोस्त है मेरी, आप हाय बोलना इसको, ये हमारे साथ मेरे टेबल पर ही रहता है और मेरे आर्टवर्क देखते रहता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बुक ज़रूर खरीदना और रिव्यू कमेंट में देना। Till then, goodbye.